ये किले का वो पॉइंट है जहाँ से रानी ने अपने घोड़े समेत छलांग लगा दी थी। ये वाला जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोग जो विशाल का दरवाजा टाइप का देख रहे हैं, ये है फांसीघर। यहीं पे मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। ये जो पंचमहल था, रानी लक्ष्मीबाई जब शादी होके आई थी तो इसी महल के अंदर रही थी। और ये विश्व की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी तोप है, इसका नाम है कड़क बिजली तोप। और इस तोप के अंदर आज भी एक गोला फंसा हुआ है। जब ये तोप चलती थी तो इसके अंदर माँ भवानी की शक्ति आ जाती थी और इसीलिए इसको भवानी तोप बोला जाता है। बुंदेलों हर बेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में और झांसी के मैं हूं अभी झांसी फोर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरा झांसी फोर्ट दिखाने वाले हैं। इस किले को राजाओं ने बनवाया था, लेकिन ये जो किला है ये झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम किले के मुख्य द्वार की तरफ जा रहे हैं। ये जो मेन गेट है, पहले ये जो मेन गेट है मतलब ये बैक साइड था, किले का बैक साइड था, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने मतलब आक्रमण किया तो ये वाली दीवार जो है इसको तोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे गेट बनाया गया है जहाँ से अभी हम एंट्री ले रहे हैं। ये वाला हिस्सा पहले फोर्ट का बैक वाला हिस्सा था, यानी पीछे का हिस्सा था। जैसे ही हम किले के अंदर एंट्री लेते हैं, सबसे पहले हमें देखने को मिलती है कड़क बिजली तोप, यहाँ पे जो रखी हुई है। ये जो तोप है सिंह की आकृति यहाँ पे बनी हुई है, यानी शेर की आकृति यहाँ बनी हुई है। ये नज़दीक ला के दिखाओ जरा, ये जो आकृति आप लोगों को दिख रही है ये शेर की आकृति है। और इस तोप के अंदर आज भी एक गोला फंसा हुआ है। इस तोप को गुलाम गौस खान चलाते थे। काफ़ी विशाल तोप है और बताते हैं पूरे भारत में दूसरे नंबर की ये सबसे बड़ी तोप है। पहले नंबर की जो तोप है वो है जयपुर में रखी हुई है, जयवाण तोप, जो जयगढ़ किले के ऊपर रखी हुई है, वो मतलब विश्व की सबसे बड़ी तोप है। और ये विश्व की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी तोप है, इसका नाम है कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली तोप इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जब चलती थी तो जैसे बिजली तड़पती है ना जब बारिश होती है, उस तरह की आवाज़ करती थी, तो इसलिए इसका नाम रखा गया कड़क बिजली तोप। यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ इसका एक इतिहास लिखा हुआ है जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। अभी हम चलने वाले हैं गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप और वारा द्वारी, वो इस तरफ है। यहाँ पे आप लोग ये जो गेट देख पा रहे हैं, अभी ये जो गेट है अभी तो ये लोहे के गेट लगे हुए हैं, और ये जो लोहे के गेट है जो अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था इस फोर्ट पे, उसके बाद इन गेटों को लगाया गया है। इससे पहले तो यहाँ पे लकड़ी के गेट हुआ करते थे। अभी हम फोर्ट के ऊपर वाले हिस्से में आए हैं। वैसे तो इसका जो इतिहास है एक गाइड अगर हमको समझाता तो अच्छे से समझ में आता, लेकिन बदकिस्मती की बात तो ये है कि गर्मी की वजह से यहाँ पे अभी दो तीन दिन से बता रहे थे गार्ड साहब जो हैं कि यहाँ पे कोई भी गाइड नहीं आ रहा है। तो जैसे भी है, थोड़ा बहुत इतिहास जो यहाँ से जानेंगे, जो पढ़ के या जैसे भी समझ में आएगा आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे है ये गणेश मंदिर, मराठा शैली में निर्मित भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर दो मंजिला है। इसकी महिमा अंग्रेजी शासन प्रारंभ होने तक बनी रही। रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। यहाँ पर ये जो गुंबद आप लोगों को दिख रहा है ना, ये मराठा और राजपूतना दोनों शैलियों से मिल के बना हुआ है। ये वाला जो गेट है ये जब किला बना था उसी ज़माने का ये गेट बना हुआ है, बहुत ही मजबूत गेट है और मतलब लकड़ी का गेट है। तो जब राजा महाराजा जब इस गेट से निकलते थे तो उनके लिए पूरा गेट खोला जाता था, आम जनता के लिए ये वाली खिड़की खोली जाती थी। जब अंग्रेजों ने इस किले पर आक्रमण किया था तो तोप से उन्होंने गोले दागे थे, तोप के गोलों से इस गेट को जलाया गया था और ये गेट पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। उसके बाद से इस गेट को दोबारा से रिपेयर किया गया है और फिर से इसको बनाया गया है। ये देखो कितनी मोटी लकड़ी से बनाया हुआ गेट है। इससे देख के आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मोटी लकड़ी इसमें यूज की गई है। इस गेट को अंग्रेजी हुकूमत ने तोपों से जला दिया था और उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत इस किले के अंदर एंटर कर पाई थी। अगर आप देखेंगे
तो ऊपर कीलें लगी हुई हैं। ये कीलें इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि अगर इस पर कोई हाथी वगैरह से आक्रमण करे तो ये चुभती हैं कीलें, जिस वजह से हाथी से इस पर आक्रमण नहीं किया जा सके। तो अभी हम चलेंगे वाराद्वारी की तरफ। यहाँ पे है वाराद्वारी। ये जो वाराद्वारी है ये गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए बनवाई थी, और वाराद्वारी के अंदर यहाँ पे नृत्य वगैरह होते थे। यानी ये जो वाराद्वारी है इनकी एक यहाँ पे नृत्यांगना थी, मतलब डांसर बोलेंगे आज के उसमें, तो इसके अंदर वो नृत्य किया करती थी। तो इनके जो भाई थे वो नृत्य के बहुत ही बड़े शौकीन थे, तो उनके लिए ही स्पेशली इस जगह को बनवाया गया था। तो ये वाले जो गेट हैं, ये तीन गेट हैं यहाँ पे, और इस तरफ भी तीन गेट हैं, यानी तीन तीन गेट चारों तरफ बने हुए हैं, यानी टोटल 12 गेट बने हुए हैं, इसलिए इसको वाराद्वारी बोलते हैं। इस तरफ भी कुछ बना हुआ है। जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया था तो पूरी तरह से देखो ये इधर टूट गया था, यहाँ पे भी टूटे हैं, क्योंकि उन्होंने जो गोले दागे थे वो बाहर की तरफ से दागे थे किले पे। इस बाराद्वारी के पास में हमें एक और गेट दिखाई दे रहा है। ये जो रास्ता है, बताते ऐसे हैं कि ये रास्ता शहर की तरफ जाता है, और ये जो राजशाही लोग थे वो इस गेट से शहर की तरफ जाते थे। यानी उनको जब शहर में जाना होता था तो वो इसी गेट का यूज किया करते थे। तो यहाँ पे ये वाला गेट भी लकड़ी का बना हुआ है। अभी इस किले के अंदर ज़्यादा गेट नहीं है, लकड़ी के बहुत ही कम गेट देखने को मिलेंगे। एक गेट इससे पीछे था, ये भी काफ़ी मजबूत गेट है। इसकी मजबूती को आप देखिए कि इसको कितना मजबूत तरीके से बांधा जाता था। ये इसको ऐसे करके लगाया जाता होगा इस प्रकार से, और ये भी बहुत भारी है, बहुत ही मजबूत है, लोहे का है। मजबूती के लिए यहाँ पे देखिए, ये इस प्रकार का एक कुंडा है लोहे का, तो बहुत ही मजबूत तरीके से ये गेट बनाए गए थे। यानी दुश्मन को हमला करने के लिए 3 से 4 गेट तोड़ने पड़ते थे और उसके बाद वो फोर्ट में एंटर हो पाते थे। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे ये आप लोग देखेंगे एक चौक टाइप का बना हुआ है, मैदान टाइप का, और इससे आगे ही एक गेट और बना हुआ है। ये इस फोर्ट का लास्ट गेट है। यानी जब शहर की तरफ जो लोग जाते थे, राज घराने के जो लोग थे, जब वो शहर की तरफ जाते थे तो वो इसी गेट से निकल के जाते थे। और यहाँ पे भी देखो ये गेट बना हुआ है, ये भी लकड़ी का ही गेट है, और मजबूती के लिए देखो यहाँ पे ये लगाए गए हैं। अभी तो फिलहाल एक है, वैसे यहाँ पे 2 लगाए जाते हैं। देखो एक ये लगा हुआ है और एक का कुंदा यहाँ पे है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो, दूसरा अभी निकल चुका है। ये आप लोगों को कुंदा दिख रहा है यहाँ से, और उस कुंदे में फंसा जाता था। हाथी वगैरह से अगर कोई उस तरफ से इसमें मतलब वार करे तो ये टूटे ना, इसकी सपोर्ट से ये रुक जाए, उसकी वजह से यहाँ पे ये लगाया गया था। अभी हम थे किले के निचले हिस्से में, और अभी हम ऊपर जाने वाले हैं, यानी किले के ऊपरी हिस्से में जाने वाले हैं, और वहाँ पे जाके आप लोगों को किले का जो और इतिहास है वो बताएंगे कि किस तरह से जो अंग्रेजी हुकूमत थी उन्होंने यहाँ पे कब्जा जमाया, और भी जो इतिहास है वो ऊपर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। गणेश मंदिर के बगल से सीढ़ियाँ चढ़ के आने के बाद हमें यहाँ पे महिला तोपची मोतीबाई की भवानी तोप को देखने का मौका मिला है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है भवानी तोप, जो हाथी के प्रकार की बनी हुई है। यहाँ पे हाथी का सर बना हुआ है, यहाँ पे ये हाथी का आकार बना हुआ है, हाथी के सर का आकार बना हुआ है, और इस तरफ से और भी यहाँ पे कलाकृति बनी हुई है। यहाँ पे देखो ये एक लिखा हुआ है, इस लिखावट को आप लोग देखिए, उसी समय की ये लिखावट है और आज भी ये चमक रही है। ये वाली जो तोप है अष्ट धातु की तोप बनी हुई है। जब ये तोप चलती थी तो इसके अंदर माँ भवानी की शक्ति आ जाती थी, और इसीलिए इसको भवानी तोप बोला जाता है। अभी हम किले के ऊपरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये जो स्टेट गन रखी हुई हैं, ये स्टेट गन अंग्रेज़ों के ज़माने की हैं, यानी अंग्रेज़ों ने यहाँ पे लाए थे इस स्टेट गन को। और ये जो स्टेट गन है इनको एक अंग्रेज़ सैनिक ऊपर वहाँ पे जो लोहे की वो दिख रही है आपको, उस खिड़की में रख के खड़ा होता था, और यहाँ से फोर्ट की रखवाली की जाती थी। इन गेटों को आप लोग देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों ने यहाँ पर लगाए थे। इसमें ये जो कटिंग है, ये अंग्रेजी फ्लैग में जो कटिंग लगी होती है ना, उस टाइप की यहाँ पर कटिंग लगाई गई है, और उसी तरह के ये वाले बिल्कुल फ्लैग जैसे ये जो बिंदु हैं। किले का ये वाला जो हिस्सा है, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आक्रमण किया था तो ये मतलब टूट गया था, जब बमबारी वगैरह गोलाबारी हुई थी तो उसमें ये टूट गया था, उसके बाद इसको अंग्रेज़ों ने ही बनवाया है। तो इसके ऊपर चलते हैं, यहीं पर अंग्रेज़ों की स्टेट गन जो थी वो लगी रहती थी, और एक
सैनिक उनका यहाँ पे खड़ा रहता था स्टेट गन के साथ में। अभी वो स्टेट गन नीचे रखी हुई है। ये जो बनवाया गया ना, यहाँ पे स्टेट गन रखी जाती थी और यहाँ पे एक सैनिक खड़ा रहता था, यहाँ से वो चारों तरफ नजर रखता था। यहाँ से आप झांसी शहर का नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों ये वाला जो आप लोग ये आकृति देख रहे हैं, यहाँ पे जो राजा थे गंगाधर राव, उनकी यहाँ पे सिंहासन लगाया जाता था और यहाँ पे आम जनता बैठती थी सामने। ये था दीवाने आम, मतलब यहाँ पे आम जनता बैठती थी, उनकी समस्याओं को सुना जाता था, यहाँ पे उनका सिंहासन लगता था। और ये है दीवाने खास, जहाँ पे राजा के जो खास मेहमान आते थे उनके ठहरने की व्यवस्था थी यहाँ पे। अभी तो इसको अंग्रेज़ों के शासन में इसको बंद कर दिया गया। ऊपर लिखा है 1896, तो ये वाला जो शिलालेख है ये अंग्रेज़ों ने यहाँ पे लगाया था। इसके सामने यहाँ पे एक बना हुआ है पंचमहल, तो यहाँ पंचमहल के बारे में लिखा हुआ है। यह एक पंचतली भवन था जो राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा निर्मित कराया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया था जो उनके सभा कक्ष के काम आता था। प्रथम तल के कक्ष में रानी ठहरती थी। इस भवन का ऊपरी तल ब्रिटिश शासनकाल में बनवाया गया था। चलिए अंदर चलते हैं इसके। ये है पंचमहल और उसके नीचे भी भूतल में भी ये बना हुआ है। तो नीचे चलने के लिए देखते हैं कुछ है। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे वाले तल में जाने के लिए। आओ नीचे वाले तल में चलते हैं। इस तल को रानी लक्ष्मीबाई यूज किया करती थी, नीचे वाले तल को का बना हुआ है। अभी हम थे इस पंचमहल में। ये जो पंचमहल था, रानी लक्ष्मीबाई जब शादी होकर आई थी तो इसी महल के अंदर रही थी। जहाँ पे हम निचले वाले हिस्से में गए थे वहीं पे रानी मतलब शादी होने के बाद प्रथम बार वहीं पे आई थी। और यहाँ पे पहले लाइटिंग वगैरह की जो व्यवस्था थी, मसाल वगैरह जलती थी। इसी के पास में ही जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे ग्राउंड टाइप का बना हुआ है और यहाँ पे ये घोड़े वगैरह बांधने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो सैनिक रहते थे ये उनके विश्राम के लिए है। और ये घोड़े बांधने के लिए जो घुड़सवार या अस्तबल वगैरह जो बोलते हैं वो हैं ये। इधर से आप लोग देखेंगे तो ये पूरा बना हुआ है घोड़ों के लिए ही। तो ये उस जमाने का अस्तबल खाना है, घुड़सार भी इसको बोलेंगे। जब अंग्रेजों ने यहाँ पे आक्रमण किया था तो यहाँ पे जो तोपची थे गुलाम गौस खान और मोतीबाई वो और एक और थे खुदा बख्श, ये तीनों ही तोपची यहाँ पे शहीद हो गए थे। उसके बाद रानी ने फैसला लिया कि इनका जो अंतिम संस्कार है वो इसी फोर्ट में किया जाएगा। तो इसी किले में यहाँ पे उनकी समाधि बनी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है गुलाम गौस खान मुख्य तोपची, मोतीबाई महिला तोपची और खुदा बख्श अश्वारोही नेता, उपरोक्त तीनों युद्ध में 4 अप्रैल 1858 में वीरगति को प्राप्त हुए। तो यहाँ पे उनकी समाधि बनी हुई है। ये वाली जो दीवार आप लोग देख रहे हैं, इस दीवार पे सैनिक मतलब खड़े होकर पहरा लगाया करते थे, नीचे की तरफ देखा करते थे कि कोई भी दुश्मन हमला न कर दे। आगे यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो देखो ये सुराग बने हुए हैं इस प्रकार के, कुछ इस प्रकार के। ये जो सुराग आप लोगों को दिख रहे हैं, यहाँ से जो रानी के सैनिक होते थे वो यहाँ से तीर कमान वगैरह चलाया करते थे, लेकिन जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो उन्होंने इसको भी यहाँ से ख़त्म कर दिया। उन्होंने कुछ इस प्रकार का बनाया, अंग्रेजी हुकूमत ने इस तरह के ये बनाए जिसमें आयरन का प्रयोग किया उन्होंने, और बड़े बड़े ये बनाए होल, और यहाँ से उन्होंने अपनी एक जो गन वगैरह लाए थे उन गनों से वो लोग यहाँ से फिर पहरा देने लगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन अभी मिट चुका है। ये अंग्रेज़ों के शासन का बना हुआ है, अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। जो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे एक नहीं, ये पूरी दीवार के अंदर इसी प्रकार के बने हुए हैं। जैसे जैसे रानी के समय में ये बने थे, जहाँ से उनकी जो सेना थी वो देख रेख करती थी, उनके जो सैनिक थे वो यहाँ से देखा करते थे, दुश्मन की हर एक हरकत पर नज़र रखा करते थे। इन चीज़ों को निकाल के जब अंग्रेजी हुकूमत ने इस किले पर कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने यहाँ पे आयरन की एक खिड़की नुमा बनाई जिससे वो गन से बाहर दुश्मन पे हमला कर सकते थे।
ये किले का वो पॉइंट है जहाँ से रानी ने अपने घोड़े समेत छलांग लगा दी थी। ये वाला जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से रानी ने छलांग लगाई थी इस पहाड़ पे। तो उस टाइम पे ये जो दीवार वगैरह लगी हुई हैं ये नहीं थी, उससे नीचे आप लोगों को पिलर दिख रहा है वहाँ तक ये बना हुआ था। यहाँ से रानी ने छलांग लगाई और वो पहुँच गई कालपी, कालपी से वो गई ग्वालियर, ग्वालियर सिंधिया परिवार के पास वो पहुँची, क्योंकि उनकी जो सेना थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो उन्हें कुछ सैनिकों की ज़रूरत थी, उन्हें कुछ सेना की ज़रूरत थी। तो सिंधिया परिवार ने वहाँ पे धोखा दे दिया, सिंधिया परिवार ने अपनी सेना रानी को नहीं दी। बाद में फिर रानी अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। वहाँ नीचे आप लोगों को जो दिख रही है बाउंड्री वाल, वहाँ पे बताते हैं पहले पानी भरा रहता था और वहाँ पे मगरमच्छ छोड़े जाते थे, जिससे अगर दुश्मन वहाँ से अटैक करे तो पहले उनको मगरमच्छ का सामना करना पड़े। अभी हम आप लोगों को जेल दिखाने वाले हैं। ये जब रानी लक्ष्मीबाई का शासन था उस जमाने की जेल है। ये जो गेट है ये बाद में लगवाया गया है, लोहे का जो गेट है, पहले यहाँ पे लकड़ी वगैरह का गेट होगा। थोड़ा सा अंदर से दिखाओ, ये है जेल, और ये वाली जेल बनाई गई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। वैसे तो रानी लक्ष्मीबाई के ज़माने में भी ये जेल थी, लेकिन ये जो गेट वगैरह है ये अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर लगाया गया था। ये है ये जेल, रानी लक्ष्मीबाई के ज़माने से है और इसी जेल को अंग्रेज़ों ने भी यूज किया था। अभी हम लोग जाने वाले हैं, यहाँ पे एक शंकर जी का मंदिर बना हुआ है जो उसी समय का है जब किले का निर्माण हुआ था, यानी किले के साथ में ही उस मंदिर को बनवाया गया था। और इसी तरह फांसी घर भी है जहाँ पे कैदियों को फांसी दी जाती थी, मुजरमों को फांसी दी जाती थी। दोस्तों ये आप लोग जो विशालकाय दरवाज़ा टाइप का देख रहे हैं ये है फांसी घर, यहीं पे मुजरमों को फांसी दी जाती थी। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शिलालेख लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है फांसी घर, तो यहीं पे जो मुजरम लोग रहते थे उनको फांसी दी जाती थी। रानी के समय में भी एक बार क्या हुआ कि रानी पूजा करने के लिए नीचे मंदिर में जा रही थी, शिव जी का मंदिर है नीचे, वहाँ पर भी अभी हम चलेंगे। तो जब वो सुबह सुबह यहाँ से सीढ़ियों से निकलते हुए जा रही थी तो देखा एक मुजरम को यहाँ पर फांसी दी गई है। तो ये देखने के बाद जो रानी थी यहाँ पर मतलब मूर्छित हो गई और यहीं पे गिर गई। उसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि आज के बाद हमारे यहाँ पे मतलब फांसी नहीं दी जाएगी किसी भी मुजरिम को, और उसके बाद जो फांसी देने का सिलसिला था वो फिर यहाँ पे बंद कर दिया गया। आखिरकार हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं जो शंकर जी का मंदिर है। यहाँ पे रानी हर रोज़ सुबह ही पूजा करने के लिए आया करती थी। यहाँ पर देखो मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है, नारू शंकर के काल में निर्मित यह शिव मंदिर मराठा व बुंदेल स्थापित शैली के मिश्रण का सुंदर नमूना है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना के लिए आती थीं। आज भी यह मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। मुख्य शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर का बना है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित हो पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। अभी हम जाने वाले हैं एक कुएं के पास में जो इस किले के अंदर बना हुआ है, क्योंकि उस समय में जो पानी का साधन होता था वो एक कुआं ही होता था और कुएं को किले के बिल्कुल निचले हिस्से पे बनाया जाता था। तो हम अभी निचले हिस्से पे ही पहुंचे हैं, यहाँ पे एक कुआं बना हुआ है। कुएं को चारों तरफ से बंद किया गया है। यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा कुआं दिखाते हैं, ये पे ये जो कुआं बना हुआ है ये उसी समय का कुआं है जब इस किले में राजा और रानी रहा करते थे, महारानी लक्ष्मीबाई के समय का ही ये कुआं है। ये पानी का मुख्य स्रोत होता था उस समय पे, और इसको चारों तरफ से अभी बंद किया गया है क्योंकि जर्जर हालत में है पूरी तरह। तो अभी हम लोग झांसी के किले से नीचे आ गए हैं, यानी पूरा किला आज आप लोगों को इस वीडियो में मैंने दिखाया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।